वो हमारे मुखिया थे जो कहते चार पिताजी तो आर्मी में थे। आपका ड्रीम क्या? वही आर्मी में जाके समय में ये जो है गुरिल्ला युद्ध जो बोलते हैं, गुरिल्ला युद्ध हाँ, मतलब छुप छुप करके। आपका नायब सूबेदार आरपी सिंह एक्स में। नायब सूबेदार ये आर्मी में ही होते हैं जी जी। और आपको तो अच्छी तरह से पता होगी, जो बहुत सारे युवा आपको देख रहे हैं जी, क्या होता है जब ज्वाइनिंग होती है उसके बाद फिर किस तरह से मेहनत करना पड़ता है लगातार? ज्वाइनिंग का जब लेटर वगैरह आता है आप उसके बाद जो है ट्रेनिंग सेंटर में लोग जाते हैं, अपना ट्रेनिंग करते हैं। फिजिकल ट्रेनिंग करने के बाद जो पास आउट होता है इसके बाद अपनी पोस्टिंग हो जाती है। अगर संतोष कुमार सिंह जी की बात करें तो मुलाकात होती थी जब भी आते थे? बिल्कुल मुलाकात होती थी। किस पर अधिक से अधिक चर्चाएं होती थी, युवाओं को लेकर चर्चा होती थी या? ऐसा कुछ नहीं है, जो चर्चा में होने का मतलब ये है कि जो बच्चे पहुंचते थे हम लोगों के पास, समाचार होता था, पूछते थे तो बताया भी जाता था, उनको इंकरेज भी किया जाता था कि मतलब वो अपना मेहनत करें, शरीर को जो है हष्ट पुष्ट बना रखें। अधिक से अधिक किस में लोगों को, युवाओं को प्रेरणा देते हैं कि आप किस फील्ड में जाओ अधिक से अधिक? ऐसा है वो तो युवाओं की च्वाइस के ऊपर है, जो जिस फील्ड में जाना चाहता हो जाए। जिसको जो है आर्मी ज्वाइन करना होगा अपना फिजिकल करते रहता है। देखिए सबको प्रेरणा देते रहते हैं कि यहाँ की युवा क्या कर सकते हैं। बड़े बेटे हैं इनके, क्या नाम है आपका? नवीन कुमार मौर्य। नवीन कुमार बाबू कब पता चला आपको पिताजी के बारे में? 11 तारीख शाम 4 बजे। बात कब हुई थी आपसे आखिरी? 4-5 दिन पहले। 4-5 दिन पहले क्या करते हैं आप? बस पढ़ाई स्टडी चल रही है। कौन से फील्ड में? कौन से? बीए फर्स्ट ईयर है। आपका ड्रीम क्या है? पिताजी तो आर्मी में थे आपके, आपका ड्रीम क्या है? वही आर्मी में जाके देश की सेवा करना है। आपको भी आर्मी बनना है? आर्मी मैन बनना है। ये होती है युवाओं की सोच। हम कहते हैं ना कि बार बार कहते हैं कि अगर हम शहीदों की बात करें, गाजीपुर की बात करें, तो सबके दिलों में सबके जुबान पे अगर कोई पूछता है कि बेटा क्या बनोगे, तो सबसे पहला नाम आता है मैं भी देश की सेवा करूंगा, मैं भी आर्मी का जवान बनूंगा, मैं भी फौजी। अब तो यहाँ भी फौजी हैं, कई ऐसे फौजी यहाँ पे हैं, छोटे भाई हैं जी। आपसे बताइए भैया कि आप छोटे भाई हैं, दुलार प्यार तो बड़े भाई से बहुत ज़्यादा मिलता है। बहुत ज़्यादा मिलता है। तकलीफ आप किस बात को लेकर के? वो हमारे मुखिया थे, जो कहते थे वो होता था, जो आप मांगते थे वो मिलता था जी। हर बात से लेकर जो भी कह देते थे। क्या करते हैं आप इसमें? इस समय मोटरसाइकिल सुजुकी में रहता हूँ। सुजुकी में कहाँ पर? गुड़गांव दिल्ली। गुड़गांव कब आए पास? मुझे संडे को 6 बजे फोन आया तो मतलब जब पता चला तभी आप चल दिए वहाँ से, है ना? अभी देश की सेवा के लिए बहुत ही आप भी तैयारी करते थे? बहुत तैयारी की। तैयारी कितने साल तक लगभग तैयारी की? लगभग 5 साल। चलिए एक बात बता दें, गर्व तो सबको है और दुख भी सबको है, लेकिन इस बात से किसी को मलाल नहीं होना चाहिए कि इस गांव का कोई भी जवान को घबराना नहीं चाहिए, किसी भी युवा को घबराना नहीं चाहिए कि शहादत सिर्फ आर्मी के फौज में ही, आर्मी में ही होती है, फौज में ही होती है, बल्कि अगर आपने मन बना लिया कि देश की सेवा करनी है तो करेंगे ही। आप बहुत बार मेहनत करते रहे, सफल नहीं हो पाए, अभी युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही कहेंगे मेहनत करो, सफल बनो, यही कहेंगे। घबराना नहीं है? घबराने की बिल्कुल। बहुत लोग चाहते हैं जीवन में सफल होना, बहुत कुछ करना चाहते हैं। बात करें, अभी हम मौजूद थे जमनिया क्षेत्र में, जमनिया क्षेत्र का बहादुरपुर गांव है। और भैया भी आप इसी किस फील्ड में काम करते हैं? आर्मी में है। नहीं, अच्छा आपसे तो कोई बेहतर नहीं जानता होगा। लड़ाइयाँ देखी कि नहीं कभी आपने? नहीं अभी तक तो लड़ाई नहीं मिली। अभी नहीं? बाबूजी आज बाबूजी एक बात बता दिया आपने, कभी आपके क्षेत्र समय में ऐसा है कि हमारे समय में ये जो है गुरिल्ला युद्ध जो बोलते हैं, गुरिल्ला युद्ध हाँ, मतलब छुप छुप करके, है ना, वो चल रहा है, जो कि आंतरिक और बाहरी दोनों लोग शामिल हैं। हाँ, अब उस समय पे आपके समय में? हाँ अभी भी चल रहा है। अच्छा, हाँ, अभी बस वही वही चल रहा है। वही चल कभी ऐसा आर पार से लड़ाई नहीं हुई? नहीं अभी आर पार कोई लड़ाई नहीं हुई, कारगिल युद्ध के बाद। कारगिल युद्ध के बाद कभी आर पार की नहीं लड़ाई हुई। आपको बता दें कि अभी 10 सितंबर बीता है और 10 सितंबर के दिन परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद की शहादत दिवस शहादत मनाया गया। और आज 11 तारीख यानी 12-13 तारीख लगभग तीनों जमा उनका शहादत मनाया जा रहा है, जो हाल ही में हुआ संतोष कुमार सिंह जी का। उनकी पार्थिव शरीर आएगी, पूरी तरह से हम दिखाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।